ना तो दो दिन से हम लोग हॉस्पिटल में, सुहानी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे, बोल रहे भैया हमको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। दोस्तों सुहानी की तबीयत जो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो अभी सुहानी का जो तेज तबीयत खराब हो गया, जैसा कि आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे, उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो अभी चल रहे हॉस्पिटल। ये दवा है, उसका रिपोर्ट रख लिए हैं बैग में, देखिए अब क्या होता है, क्योंकि कल तो जांच में निकला था कि उसका जो है पानी वानी है सर में और पंजरा में जो होता है पानी, इस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। अभी जो है कह रहे कि सर के अंदर ना कीड़ा की तरह काट रहा है। पानी अभी बैठी हुई है, अभी इसके शरीर में जो बिल्कुल भी दम नहीं मिल रहा है कि चल भी पाती, इसलिए जो है इसको बाइक पर बैठा कर बढ़िया से ले जाएंगे। इधर जो है देखिए रागनी आपकी बहन, और देखिए इसको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों प्लीज़ हमें थोड़ा कुछ सजेशन दीजिए, अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कीजिए, हमें सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल में। मम्मी कहाँ गई? जल्दी बोलिए मम्मी कहाँ निकली। तो फाइनली दोस्तों सुहानी अब हॉस्पिटल में आ चुके हैं। देखें सुहानी थोड़ा डर गई है। तो अभी सुहानी को देखिए हाथ में एक सुई बांध दिया गया है और शायद पानी वगैरह चढ़ेगा अभी, देखिए। अच्छा ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, गर रहा होगा उसको, सही से रखो ना उसको, हिलाओ मत, हिलाओ मत, एकदम यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो। सोचिए दोस्तों कैसा दिन देखना पड़ रहा है हमारी बहन को, बताइए। हो जाएगा, हाथ दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब दवा दिए हैं इसलिए। कितना तकलीफ हो रहा है, हाथ पकड़िए, हाथ रुक जा बेटा, रुक जा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बोलिए। थोड़ा देर बेटा, थोड़ा देर, थोड़ा देर, बस नाक नहीं आते कीजिए। और फाइनली अभी लाइट आ गया है, देखिए हॉस्पिटल में लाइट भी नहीं था काफी देर से, गांव का हॉस्पिटल है ना इसलिए लाइट भी कटा हुआ था। मैं बता रही थी कि थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है माथा में। अभी ज्यादा दर्द है, हल्का है, अच्छा आराम हो जाएगा। ज्यादा नाक से सांस लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है? नाक से, नाक से, नाक से बेटा, नाक से, ओपन का नाक से। नाक से लो, नाक से लो, मुंह बंद कर, मुंह खोल के रखिए। हाँ मुंह खोल के रखो। अपने 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 होगा, आप अपना समय लीजिए। हॉस्पिटल आने में कम से कम 3 से 4 घंटा का रास्ता पड़ता है और मम्मी टेंशन ले रखी है।
कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। हाँ इलाज चल रहा है बाबू का, आप लोग दुआ कीजिएगा जल्दी से ठीक हो जाए। कल तक सुहानी ठीक हो जाएगा, इसके लिए चिज्जू लाएंगे खेलने के लिए। एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी बाबू, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन भैया के तो कुछ नहीं होगा सुहानी को। चलो घूमने चलेंगे, खेलने के लिए खेलने के लिए चलेंगे बेटा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन टेंशन ना दोस्तों, अभी जो है हमारे लिए मुश्किल की घड़ी है, क्या ही बताएं, बट हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। और बाबू को जो है इस वाले कमरे से जो है बाहर ले आए डॉक्टर साहब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, हवा भी चल रहा है और ऑक्सीजन अभी लगा हुआ था, तो अभी दूसरा ऑक्सीजन गए हैं बुलाने के लिए। और आप लोग भी अगर कोई डॉक्टर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा अकेले पड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, बट हार नहीं मानना है। देखिए सुहानी देख रही उधर से, बताइए। बिल्कुल कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर से लाइट चला गया, एक देखें पानी ना, पानी चालू है, हाथ नहीं खींचे, लाइट ही चल गया अभी। फिर देखिए सुहानी थोड़ा स्माइल की, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसी लगाएंगे छोड़ देंगे, ऐसी लगाओ लगाओ, कुछ नहीं होगा बाबू, बस बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बस बस बस। छुड़ा मत, छुड़ा मत, हो जाएगा। पानी को राहत मिला है, अब खाने के लिए बैठी है। देखिए भुजिया पूरी है, मम्मी अभी खाना खा लो। सुहानी खाना खा चुकी है और रात के 11 बज रहे हैं, मम्मी खाना खा रही है। देखिए सुहानी अभी भी सांस खींच खींच के ले रही है, कमजोरी पूरा शरीर में हो गया था इसका। एक काम करो, तुम आराम करो, आ जाओ सो जाओ। हाँ नहीं सोना है, अच्छा। सुहाने के लिए खुशबू दीदी ने जो दूध भेजा गर्म करके, पी लो पी लो पी लो। अब सुहाने को जो है सोई पड़ रहा है, अभी खाना वाना खाएगा, हो जाए, हो गया, हो गया। अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है, हम लोग हॉस्पिटल में ही आज रात रुके हैं, ये सोए हम भी सोए हैं। और आपकी सुहाने बहन को देखिए, अभी थोड़ा बहुत तबीयत ठीक है तो यहाँ से रही है, मुस्कुरा रही है। डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कैसे हैं, वैसे से दाँत दिखा रही थी तो बोले लगे डॉक्टर साहब की सबको रुला करके आप हंस रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप सब, हम अभी ठीक हैं, हम अभी ठीक हैं। अच्छे से हो जाएंगे तो फिर वीडियो बनाएंगे, बोले बोल दो, बोल दो, बोल दो। नहीं बोल रहे, इसको बुलाने की कोशिश कर रहे, नहीं बोल रहे। हो जाएंगे तो फिर भैया वीडियो बनाएंगे, बोल बोलो ना, ठीक हो जाएंगे तो फिर वीडियो बनाएंगे। हाँ देखिए ठीक हो जाएंगे तो फिर वीडियो बनाएंगे, से बोल रहे। तो गाइस अभी 2 से 3 दिन हम लोग को यहाँ पे रुकना है, क्योंकि बढ़िया से बाबू को जो रिकवर करवाना है अच्छा से, फिर उसके बाद घर निकलेंगे। तो घर पे भी अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे, इसी तरह हम लोग का सपोर्ट और साथ बनाए रखिएगा। अगर आप ले जी जाके सबसे बड़े भैया रात में खाना वाना सारा कुछ व्यवस्था प्रबंध किए थे, आए हैं, और ये भी टेंशन में है कि बाबू ठीक होंगे कि नहीं। हो जाएगा ठीक, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत टेंशन हो गया तो ये भी आए हैं बोलने की क्या हुआ क्या हुआ। पास में इनका घर पड़ जाता है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर इनका घर पड़ जाता है। टेंशन की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, बस सुहानी बढ़िया से जल्दी से रिकवर हो जाएगा, हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, भगवान से ठीक हो जाएगा सब।
ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब हॉस्पिटल आ गए हैं तो ठीक होने के लिए आए हैं ना। ना बिल्कुल। आप लोग दुआ दीजिए कि ठीक हो जाए जल्दी। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें हॉस्पिटल में रुकना ही पड़ा है यहाँ पे, कभी ऐसा कभी समय नहीं आता, लेकिन समय समय का खेल होता है। तो सुहाने के लिए डॉक्टर साहब जो बिस्कुट ला के दिए हैं, गुड डे बिस्कुट है, ये नया नया ब्रश ला करके दिए हैं, और जीभिया हाथ दर्द हो रहा है, जाओ बढ़िया से मुँह धुल लो और खा लो, ठीक है, और आराम करो। देखिए डॉक्टर साहब कितना प्यार करते हैं सच्ची सुहानी से, हम लोगों से, बस ये आप लोग की दुआ है, सपोर्ट है। तो आप लोग को अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा सुहानी को इस तरह से कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो मम्मी थोड़ा तो आप लोग को बताने की कोशिश करेंगी मम्मी किस तरह से हुआ। तो हम तो बाहर में थे उस टाइम, सुहानी बहन कोचिंग गए थे पढ़ने के लिए, कोचिंग से वहाँ जाए और एकाएक बोले 3 बजे के लगभग, जो मम्मी हमको लगता है कि सांस में कोई गड़बड़ी है, एकाएक हमारे सांस बंद हो रहा है शाम में ना, हाँ 3 बजे शाम में। तो हम लोग बोला जी ठीक है बच्चों, दवा ला करके हम देते हैं इसको, लोकल डॉक्टर के पास ले गए, तो वहाँ इनको दवा दिलवाए, सुई दिलवाए, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। और उधर से लौटते समय में इनको तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तबीयत विशेष ख़राब हो गई कि साफ ही माने डेटे के हिसाब पर, डेटे के हिसाब पर था, वहाँ भर्ती करवाए, ऑक्सीजन लगा, फिर दवाई चला रात में, और 7 बजे शाम से लेकर के 10 बजे रात तक, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। और कंट्रोल न होने के बाद अब सब परिवार है तो रोने लगा, रोने के साथ में फिर यहाँ जंदाहा से डॉक्टर साहब को यहाँ फोन आया, जैसे कि यहाँ हमारे छोटे भाई लड़की था तो आराम से आएंगे, फिर अचानक से उसको सांस में फिर प्रॉब्लम होने लगा, तो फिर यहाँ पे जो जंदाह में जो डॉक्टर साहब रहते हैं और वो बोले कि आप लेकर के उनको आइए यहाँ पे हम देख लेंगे, तो 3 से 4 दिन अभी टाइम लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, जब से बढ़िया से रिकवर हो जाएगा फिर आप लोग को तो ब्लॉग दिखाते रहते रोज की तरह, इसी तरह सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ये ब्लॉग बनाने का यही मकसद है, क्योंकि मेरा डेली लाइफ ब्लॉग में जो है मैं अपना लाइफ को दिखाते रहता हूँ, मेरा काम ही है, आप लोग कमेंट करो कि आप इस तरह का लाइफ क्यों दिखा रहे हो, तो ये मेरा काम है। अगर जो लोग नए होंगे तो मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं करता क्या हूँ। तो बस आगे सपोर्ट बनाते रहिएगा, देखते अभी सुहानी जो ठीक हो जाएंगी। और तो है गाइस, ये ब्लॉग आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप बिहार समस्तीपुर से देख रहे हैं बिहार से तो पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर स्टेट से देख रहे हो तो पूरा का पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। ये रहा इंस्टाग्राम का आईडी, इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कीजिए, वहाँ भी जो सपोर्ट दिखाइए, बस टेंशन की कोई बात नहीं, टेंशन की ही बात है, थोड़ा उसका सांस वाला सब कुछ सही प्रॉब्लम हो जाए, बस इलाज चल रहा है। आपको पता है कि गांव का अस्पताल कैसे होता है, लाइट वाइट की व्यवस्था है तो आपको मालूम है, जैसा ब्लॉग तो देख ही लिए होंगे। हम लोग ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर कोई सा भी चीज़ विकसित नहीं है, बट सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोग दुआ सपोर्ट बनाए रखिए, बहन के लिए दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस प्लीज़ यही हमारा परिवार का सब कुछ है, इसी से यूट्यूब चैनल से जो परिवार के लिए रोटी पानी हम चलाते हैं, घर का खाना वाना सब कुछ खर्चा वर्चा उठाते हैं, तो इसलिए हम पे सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए सभी दोस्तों में, इसी तरह हमें सपोर्ट बनाकर रखिए, क्योंकि जब तक वीडियो को शेयर नहीं करोगे आप लोग तब तक मेरा मदद नहीं होगा, क्योंकि वीडियो शेयर करोगे आप लोग हमारा थोड़ा बहुत अर्निंग होगा, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, अपने घर परिवार को चलाएंगे, सुहानी बहन का इलाज करा सकेंगे। तो बस इसी तरह प्यार दुलार बनाए रखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। पहली बार कोई बिहार के लड़का आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ दोस्तों इसी तरह बढ़ाते रहिए। बस दोस्तों लास्ट तक मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।